हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीवॉल अपडेट्स पर। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शुभांगी भट्ट फिर से हाजिर हूँ बॉलीवुड से जुड़ी कुछ मजेदार खबरों के साथ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। टीवी के पॉपुलर स्टार्स अली गोनी और जैस्मिन भसीन के फैंस के लिए गुड न्यूज सामने आई है। खबर ये है कि अली और जैस्मिन जल्द ही ऑफिशियली एक दूजे के होने वाले हैं। जी हाँ, ये खुशखबरी हमने आपको कहीं से पढ़कर शेयर नहीं की है, बल्कि इन बारे में आपके फेवरेट अली गोनी ने खुद बताया है। दरअसल अली गोनी और जैस्मिन भसीन अब तक कई रियलिटी शोज में साथ नजर आ चुके हैं। वहीं बिग बॉस 15 में जब अली वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर आए, तभी से कहा जा रहा था कि वो और जैस्मिन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। पर शो में रहकर जैस्मिन और अली ने हमेशा ही एक दूसरे को अच्छा दोस्त बताया, पर जैसे जैसे शो आगे बढ़ा दोनों की नजदीकियां बढ़ती गई। बिग बॉस 15 खत्म होने के बाद अली और जैस्मिन को साथ घूमते फिरते भी देखा गया, जिससे ये साफ जाहिर होने लगा कि कपल पूरी तरह से एक दूसरे के प्यार में है और फैंस को भी इनकी जोड़ी बेहद पसंद आने लगी। लेकिन आखिर फैंस की मुराद तब पूरी हुई जब अली ने ऑफिशियली उनकी और जैस्मिन की शादी पर मुहर लगा दी है। इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर करते हुए अली गोनी कहते हैं कि फाइनली गाइस बात पक्की हो गई है, मैंने और जैस्मिन ने पेरेंट्स को बता दिया है, हम बहुत खुश हैं, बस इनविटेशन कार्ड बांटने बाकी हैं, लेकिन हम लोगों ने सोचा है कि हम दोनों डिजिटली ही सबको बता दें। हालांकि अली ने ये तो नहीं बताया कि वो और जैस्मिन शादी कब कर रहे हैं, पर इतना तय है कि अली और जैस्मिन की टीवी कपल से रियल लाइफ कपल बनने की पूरी तरह रेडी हैं। रणवीर सिंह की गिनती बॉलीवुड के सबसे कूल एक्टर्स में की जाती है। उनकी प्रेजेंस में माहौल खुशनुमा और लाइट हो जाता है। लेकिन कंट्रोवर्शियल क्रिटिक कमाल राशिद खान ऐसे शख्स हैं जिन्होंने बॉलीवुड के कूल हीरो का पारा हाई कर दिया है। तभी तो रणवीर ने ट्विटर पर केआरके को ब्लॉक कर दिया है। जी हाँ, रणवीर के ब्लॉक करने की जानकारी खुद केआरके ने ट्वीट कर दी है। केआरके ने लिखा, मैंने 83 को बर्बाद किया और रणवीर सिंह ने ये सच बर्दाश्त किया। फिर मैंने जयेश भाई जोरदार को बर्बाद किया और रणवीर ने मुझे ब्लॉक किया, क्योंकि वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मैं अर्जुन कपूर की काफी इज्जत करता हूँ, ये साहस दिखाने के लिए कि उन्होंने मुझे अब तक ब्लॉक नहीं किया। अर्जुन कपूर इस सच को कबूल रहे हैं। दूसरे ट्वीट में केआरके ने लिखा, भाई अपनी पत्नी से कुछ सीखो, उसने अभी तक मुझे ब्लॉक नहीं किया। केआरके ने जयेश भाई जोरदार फिल्म का रिव्यू करने से पहले कहा था कि वो इतना मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं कि उनमें इस फिल्म का रिव्यू रिकॉर्ड करने की एनर्जी नहीं बची है। पिछले कुछ दिनों से बॉलीवुड की बेबी डॉल वुल्फ सिंगर कनिका कपूर शादी को लेकर खूब चर्चाओं में थी, लेकिन अब फाइनली कनिका शादी के बंधन में बन चुकी है। जी हाँ, कनिका ने बिजनेसमैन गौतम संग शुक्रवार को लंदन में सात फेरे लिए, जिनकी इनसाइड तस्वीरें और वीडियोस अब सोशल मीडिया पर सामने आई हैं, जो कि जमकर वायरल हो रही हैं। वहीं शादी की तस्वीरें और वीडियो सामने आते ही सबसे ज्यादा कनिका कपूर का लुक टॉप ऑफ द टाउन बना हुआ है। आपको बता दें कि कनिका कपूर ने भी अपनी शादी में सुर्ख से अलग लाइट पिंक कलर का खूबसूरत जोड़ा पहना था। इसके साथ ही एक्ट्रेस ने हीरो के बड़े बड़े गहनों के साथ अपने ब्राइडल लुक को रॉयल टच दिया, जिसमें वो किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। वायरल हो रही इन तस्वीरों में हर किसी को कनिका और गौतम के बीच की केमिस्ट्री काफी पसंद आ रही है। यश की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म KGF चैप्टर 2 के प्रोड्यूसर ने अपने नए प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, प्रोडक्शन हाउस होम्बेल फिल्म्स ने शुक्रवार ऐलान किया कि एक नई कन्नड़ एक्शन फिल्म बनाने जा रहे हैं। इस फिल्म की शूटिंग का आगाज भी हो गया है। फिल्म के मुहूर्त से फोटोज भी शेयर की गई हैं। आपको बता दें कि इस नई एक्शन थ्रिलर फिल्म का नाम बघीरा है। डायरेक्टर प्रशांत नील ने इस फिल्म को लिखा है और डॉक्टर सूरी इसका निर्देशन कर रहे हैं। फिल्म के हीरो श्री मुरली होंगे, जिन्हें फिल्म उर्ग्राम में देखा गया था। सोशल मीडिया पर छाए इन तस्वीरों में आप फिल्म के स्टार्स और डायरेक्टर सूरी को मंदिर में खड़े पूजा करते देख सकते हैं। साथ ही फिल्म के क्लैप बोर्ड की फोटो को भी शेयर किया गया है। साथ ही प्रशांत ने नील बघीरा की टीम को शुभकामनाएं भी दी है। शुक्रवार की शाम शहनाज गिल के लिए पार्टी और मस्ती से भरी थी। इस शाम शहनाज ने अरबाज खान की गर्लफ्रेंड जॉर्जिया एंड्रियानी की बर्थडे पार्टी में शिरकत की, जहां उन्होंने ना सिर्फ पार्टी में जमकर एंजॉय किया बल्कि बर्थडे गर्ल को केक भी खिलाया। दोनों के वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। लगता है कि शहनाज गिल इन दिनों खान परिवार की फेवरेट बन गई है। वो सलमान खान के साथ उनकी नई फिल्म कभी कभी दिवाली में काम कर रही है। इसके अलावा वो सलमान के भाई अरबाज खान और उनकी गर्लफ्रेंड जॉर्जिया एंड्रियानी के साथ पार्टी करती दिखी, जिसकी वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वीडियो में शहनाज को अरबाज संग बात करते और मस्ती भरे अंदाज में देखा जा सकता है। वहीं आज शहनाज और जॉर्जिया की दोस्ती देखने लायक थी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे ऐसे ही बॉलीवुड से जुड़ी कुछ खबरों के साथ सिर्फ बॉलीवॉल अपडेट्स पर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।